नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। वाओ, बैठो को तो देखो। ये बैठो कर क्या रहा है? ये तो कोई नया खेल लगता है। बैठो, रुको तो जरा। जल्दी पोकोयो, तुम्हारे पीछे। पोकोयो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ये बैठो क्या कर रहा है? बैठो, पोकोयो को बताओ। मुझे लगता है पोकोयो ये नहीं जानता। ऐसा लगता है। क्या आप जानते हैं पेटो क्या कर रहा है? स्किपिंग, वो स्किपिंग कर रहा है। हाँ, पेटो स्किपिंग रस्सी से स्किपिंग कर रहा है। अब ये कौन आ रहा है? बिल्कुल। नमस्ते अली। एली भी स्किपिंग कर रही है। एली के पास भी स्किपिंग की रस्सी है। पोकोयो, इधर उधर ऊपर नीचे क्या देख रहे हो? देखो तो पोकोयो, ये कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या तुम भी ऐसे कर सकते हो? इन्हें गौर से देखो। समझ आया, शायद पोकोयो को भी स्किपिंग रस्सी चाहिए। अब तुम रस्सी कहाँ से लाओगे पोकोयो? अरे वाह, अब तो शायद तुम्हें रस्सी मिल गई। शुक्रिया अली। अब तुम सभी एक साथ स्किपिंग खेल सकते हो। वैसे ये खेल है बड़ा अच्छा। सभी अली की तरह करो। क्या तुम्हें सच में स्किपिंग करना आ गया है पोकोयो? एक, दो, तीन। ओहो, वैसे जितना आसान ये दिखता है उतना है नहीं, है ना? समझ आया। क्यों ना तुम एली या पेटो से पूछ लेते हो? वो जरूर बताएंगे कि रस्सी से स्किपिंग कैसे की जाती है। अब जब आता है तो एक, दो, तीन। ओह, चलो इस बार मैं गिनूंगा। तैयार हो? एक, दो, तीन। पोकोयो, वो रस्सी, देखो देखो वो कहाँ गई। अब तुम क्या करोगे पोकोयो? क्या तुम नई रस्सी लाओगे या उसे ही? ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई? क्या तुम्हें दिख रही है रस्सी कहाँ गई पोकोयो? ओह, माफ करना सोती हुई चिड़िया। अब तुम उसे कैसे उतारोगे पोकोयो? क्या तुम किसी की मदद लोगे? बेचारा पोकोयो, तुम रस्सी से स्किपिंग करना चाहते हो, है ना? तुम्हें मदद चाहिए, पर तुम्हें स्किपिंग करना कौन सिखाएगा पोकोयो? अब तुम क्या करोगे पोकोयो? अरे तुम नाराज हो गए हो? इसे किससे मदद लेनी चाहिए? क्या आप में से कोई पोकोयो को बताएगा? ये जबरदस्त सुझाव है। तुम एली या पेटो से क्यों नहीं पूछते हो पोकोयो? पोकोयो की मदद करो। ओह, अब समझ आया। अब ये सही तरीका है। अगर एली और पेटो रस्सी को घुमाने में मदद करें तो तुम स्किप करने की कोशिश कर सकते हो। तैयार हो? नहीं तो तैयार हो जाओ। हाँ, ऐसे। अरे अरे, संभल कर पोकोयो, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है।
ओ, वो तैयार नहीं थे पोगोयो। तुम्हें स्किप करवाने के लिए रस्सी को घुमाना चाहिए था। देखो और सोचो कि अब तुम क्या कर सकती हो पोगोयो। शाबाश, फिर से तैयारी करो। वेरी गुड। क्या मैं फिर से तुम्हारे लिए गिनती करूं? तो तैयार हो? एक, दो, तीन। हाँ पोगोयो, तुम ये कर सकते हो। शाबाश। बहुत खूब पोगोयो, तुमने कर दिखाया। तुम स्किपिंग कर सकते हो। देखा तुमने पोगोयो, कभी कभार किसी से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो कई बार मजेदार पलों को स्किप करना पड़ जाएगा। तो पूरा हुआ एक और दिन हमारे दोस्त पोगोयो के साथ। वैसे शायद अभी हम थोड़ा और स्किपिंग कर सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोगोयो। नमस्ते। आज हम क्या खेलेंगे पोगोयो? सोचो, थोड़ा जोर डालो दिमाग पर। क्या कुछ आया दिमाग में? हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है पोगोयो, कुछ चमकीला सा। मुझे नहीं लगता पोगोयो को इसके बारे में कुछ पता है। क्या कोई पोगोयो को बताएगा कि ये है क्या? चाबी है। चाबी। एकदम सही, एक चाबी। और कौन जानता है कि ये क्या राज खोलेगी? है ना मजेदार? हाँ, वैसे शायद आपको पता हो या ना हो कि पुराने जमाने में समुद्री लुटेरों के खजाने की चाबी भी ऐसी ही हुआ करती थी। खजाना? क्या हुआ पोगोयो, इधर उधर क्या देख रहे हो? खजाना। अरे अरे, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो पोगोयो? खजाना। क्या हुआ पोगोयो? ये कमाल है, ऐसा लगता है ये चाबी लगाने की जगह है पोगोयो। खजाना? कोशिश तो करो। ये क्या खुलने लगा? क्या है ये? वैसे खजाने के बारे में तो पता नहीं, पर मैंने कभी ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। हेलो, खजाना। वैसे यहाँ कोई खजाना नहीं है। तुम्हें जगाने के लिए माफ करना सोती चिड़िया। खजाना। अरे सुनो, एक और चाबी लगाने की जगह। हाँ, चाबी लगाओ तो। अरे बाप रे, ये तो कुछ खुफिया रास्ता जैसा लगता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे यहाँ बेसमेंट भी है। खजाना, 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 हमें देखकर चौंक गए बेटो। देखो, ये पोगोयो है, तुम्हारा दोस्त। खजाना बेटो। अरे तुम दोनों ने आपस में क्या फैसला लिया, मुझे भी जानना है। अरे कहाँ चले? अच्छा, एली से मिलने आए हो, पर किधर जा रहे हो? ये रही एली तो। खजाना, खजाना। ये क्या बैठो, एली और पोगोयो तीनों ही खजाने की खोज में चल पड़े क्या? पोगोयो रुक गया। क्या? एक और चाबी लगाने की जगह। वाह, एक लिफ्ट। बहुत खूब, ये तो मजेदार लग रही है।
जाओ चला कर देखो। ओ, अब ये सभी समुद्र के अंदर चले गए हैं। खजाना? ऐसा लगता है कि ये जितना दूर जा सकते हैं ये वहीं तक हैं, है ना? ये लो लिफ्ट फिर चल पड़ी। अब ये लोग कहाँ जा पहुँचे हैं? कोई टापू या समुद्र का किनारा लगता है। लो एली तो थक भी गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो खजाना, खजाना। पता है मुझे लगता है इसी में हो सकता है। वैसे आज जो देखा है उसे देखकर कोई हैरत नहीं होगी। आगे बढ़ो पोकोयो, खोलो इसे, निकालो चाबी। चाबी? अरे चाबी किधर गई? उफ, शुक्र है मिल गई। आखिर इसके अंदर क्या होगा? मिठाइयाँ, खिलौने, खजाना आखिर होगा क्या? क्या है इसमें? क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि आखिर खजाने के बक्से में है क्या? जल्दी बताओ। ढेर सारी चाबियां, खजाना। ये सबसे बेहतरीन खजाना है कि नहीं? और आज हमने जो मजे किए हैं, दरवाजे खोले हैं, सवाल पूछे हैं और दुनिया की खोज की है, ये इन सभी की चाबी है। पोकोयो के लिए हुर्रे, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बोल ऑर्केस्ट्रा है। इनका संगीत मेरा सबसे पसंदीदा है। हेलो पोकोयो। हेलो। क्या तुम भी बोल ऑर्केस्ट्रा का बेहतरीन संगीत सुनने आए हो? ओ, माफ करना पोकोयो, मुझे लगता है पोकोयो इसे सुनना चाहता है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। देखो पेटो आ गया। ओ, मैं तो बस, देखो पेटो आ गया। देखो दोस्तों, पोकोयो और उसके दोस्तों को कितना मजा आ रहा है। ओ, लगता है कोई आ रहा है। कौन हो सकता है पोकोयो? क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कौन आया है? हाँ, ये हमारा दोस्त एली है। हेलो एली। ओ, मैं भूल जाता हूँ, माफ करना। मानना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों को नाचना गाना वाकई काफी पसंद है। मुझे लगता है ऑर्केस्ट्रा का संगीत खत्म हो गया। मेरे ख्याल से वो चले गए हैं पोकोयो। हाँ, ये बहुत बुरा हुआ, सच में लाजवाब म्यूजिक था, है ना? मुझे नहीं लगता कि अब ऑर्केस्ट्रा वापस आएगा। हाँ मैं जानता हूँ, क्यों ना तुम म्यूजिक का कोई और तरीका सोचो पोकोयो। अरे वाह, लगता है पोकोयो को एक तरकीब सूझी है। ओह, देखो पोकोयो लाया है म्यूजिक के लिए कुछ बाजों की जोड़ी, मंजीरे की जोड़ी, एक ड्रम और एक ट्रम्पेट, ठीक वैसे जैसे बोल ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। क्या कमाल का सोचा है, अब तुम सब खुद ही म्यूजिक बजा सकते हो। म्यूजिक।
ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है पोकोयो। सुनो पोकोयो, ओ देखो ये कौन आया, सोती हुई चिड़िया, तुमने इसे जगा दिया। मुझे लगता है सोती चिड़िया शोर सुनकर उठ गई है, मेरा मतलब लाजवाब म्यूजिक सुनकर। वैसे माना ये बोल ऑर्केस्ट्रा जैसा नहीं बज पाया पोकोयो, पर वैसा बजाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है ना? म्यूजिक नहीं। जानते हो पोकोयो, कभी कभी म्यूजिक बनाने के लिए बाजों की जरूरत नहीं होती। म्यूजिक तो सब तरफ है, बस थोड़ा ध्यान से सुन के देखो। क्या आप में से कोई पोकोयो की मदद करेगा? यहाँ कौन सी ऐसी आवाज है जो म्यूजिक जैसी लग रही है? सोती चिड़िया। हाँ पेटो, अब तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, एकदम सही एली, ऐसे ही बजाते रहो। देखा तुमने पोकोयो? हाँ जरा खुद को सुन के देखो। अरे वाह, लगता है बोल ऑर्केस्ट्रा तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ म्यूजिक बजाना चाहते हैं पोकोयो। तो देखा तुमने, म्यूजिक बनाने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। क्या हुआ दोस्तों, आप भी हमारे साथ नाचो गाओ? वाह वाह पोकोयो, बाय, फिर मिलेंगे जल्दी ही।